Hello friends, I am Dr. Amit Upadhayay and I am a hematologist at Hope Oncology Clinic, New Delhi. Today, we are going to give you about the information about the disease, that is lymphoma. Lymphoma is our body's one kind of blood cancer, which is our body's one part, lymph nodes. Lymph glands are in the body, it is the one cancer. This can be involved in any body in any body. But usually गले को या chest के अंदर area को या पेट के अंदर के lymph nodes को involve करता है। ये एक बड़ा common cancer है और जब हम बात करते हैं blood cancers की तो almost एक तिहाई blood cancer जो हैं वो lymphoma होते हैं। दो तरह का हम इन्हें classify करते हैं। एक होते हैं non-Hodgkin's lymphoma, एक होते हैं Hodgkin's lymphoma। Hodgkin's almost 10% होते हैं और 90% जो हैं वो non-Hodgkin's होते हैं। Non-Hodgkin's भी एक ग्रुप है, कई सारे ट्यूमर एंटिटी उसमें हैं, वो बड़े एग्रेसिव भी हो सकते हैं और बिल्कुल इंडोलेंट भी हो सकते हैं, मतलब कुछ बहुत तेजी से बढ़ने वाले होते हैं और कुछ इतने स्लो होते हैं कि उनको कई कई साल तक ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। अब बात आती है कि ये कहाँ से क्यों होते हैं। बहुत कभी कभी इनमें जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं, कभी कुछ इन्फेक्शंस हैं जो उसके लिए प्रोन कर सकते हैं, जो उस लिम्फोमास को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। एचआईवी कर सकता है, हेपेटाइटिस बी कभी कभी इंप्लिकेटेड होता है, एप्सटीन बार वायरस है जो इंप्लिकेट होता है, बट लार्ज मेजोरिटी में उसका कारण हमें नहीं पता पड़ता। डीएनए है लिम्फ नोड्स का, उनमें चेंजेस आते हैं और वो उन लिम्फ नॉर्मल लिम्फ जो टिश्यू है उसको कैंसरस बना देते हैं, वो धीरे धीरे ग्रो करने लगता है। यूजली ये मैनिफेस्ट करता है हमारे शरीर में गठानों के रूप में, वो हमारी गर्दन में हो सकती हैं, वो हमारे कॉलर बोन के ऊपर हो सकते हैं, इंग्वाइनल रीजन में हो सकती है, मतलब थाई एरिया में हो सकती हैं, या कई बार पेट के अंदर या हार्ट के आसपास के एरिया में होती हैं, जो एक्सरे या अल्ट्रासाउंड पे पता होती है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है तो वो और भी कॉमन सिम्टम्स करने लगती है, जैसे वेट का कम होना, बुखार आना, रात के वक्त सडनली बहुत पसीना आना, वेट गेन ना होना, ये सारी चीजें कॉमनली इनको कई बार हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है। कंफर्म करने के लिए कि क्या हम लिम्फोमा से डील कर रहे हैं या ट्यूबरकुलोसिस से डील कर रहे हैं, कुछ टेस्ट होते हैं। सबसे कॉमन टेस्ट है एफएनएसी या बायोप्सी। हम निडल से या बायोप्सी निडल से टिश्यू लेते हैं, उसको लैब में भेजते हैं और लैब में वो जो है पैथोलॉजिस्ट जो होते हैं वो देखते हैं, वो बताते हैं कि क्या है ये, लिम्फोमा है या ट्यूबरकुलोसिस है। लिम्फोमा है तो इम्पोर्टेंट है कि वो किस तरह का लिम्फोमा है, वो हॉजकिंस है, नॉन हॉजकिंस है, या उनके कौन से सब टाइप हैं। ट्रीटमेंट वाइज बात करें हम तो ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से आजकल इनका अवेलेबल है। ट्रीटमेंट से पहले एक और जो चीज हम देखते हैं वो है स्टेज, तो उसके लिए सीटी, पैट सीटी या एमआरआई या कुछ ब्लड टेस्ट हैं जो इंडिकेट होते हैं, जो ये बताते हैं कि उनकी स्टेज क्या है। स्टेज वन मतलब एक ही जगह पर है और स्टेज फोर मतलब ये शरीर के कई हिस्सों को इन्वॉल्व कर चुका है। बट लिम्फोमा ऐसा कैंसर है जो बढ़ने के बाद, स्टेज फोर में भी जाने के बाद मोस्टली मरीजों में ठीक हो जाता है आजकल जो इलाज हमारे पास अवेलेबल है। हम बात करते हैं इलाज की तो प्रेडोमिनेंटली वो कीमोथेरेपी बेस होता है, बट और भी कंपोनेंट हैं जैसे बायोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी जिसमें होती है वो, रेडिएशन या बोन मैरो ट्रांसप्लांट। मेन जो इलाज है वो कीमो प्लस बायोथेरेपी होता है। अब कौन सी दवाइयां दी जाएंगी ये लिम्फोमा के टाइप पर डिपेंड करता है, कितना एग्रेसिव है उस पर डिपेंड करता है। रेडिएशन की जरूरत कभी कभी पड़ती है जब कोई बड़ी गठान हो, बहुत बड़ी गठान हो, या हमारे स्पाइनल कॉर्ड को वो कंप्रेस कर रहा है, ऐसी कुछ सिचुएशन होती है जहां पे हम रेडिएशन की भी बात करते हैं। मोस्टली दवाइयां हैं जो काम करती हैं, कभी कभी कुछ लिम्फोमास में हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है, स्पेशली जो या तो वापिस आए हो ट्रीटमेंट के बाद या बहुत एग्रेसिव हों। नॉर्मली कीमोथेरेपी के साथ हम उम्मीद करते हैं ऑलमोस्ट 70-80% लोगों में कि वो बीमारी या तो जड़ से खत्म हो जाती है या पेशेंट की लाइफ आराम से 5-10 साल तक बिल्कुल आराम से बिना लिम्फोमा के निकलती है। कुछ लिम्फोमा है जो टेक्निकली क्योर नहीं होते हैं, बट इवन उनमें हमारी लाइफ बड़े अच्छे से चलती रहती है। कीमोथेरेपी भी धीरे धीरे समय के साथ एडवांस हुई है। अब जो नॉर्मली कई सारे साइड इफेक्ट जो हम सोचते हैं कीमोथेरेपी के साथ में कि उससे बहुत टॉक्सिक होती है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, आमतौर पर वो नहीं होती है। नई जो दवाइयां आ रही हैं जिन्हें हम टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं, वो सिर्फ उन
उन मॉलिक्यूल उन सेल्स के उन हिस्सों को टारगेट करती हैं जो लिम्फोमा सेल्स में है, बाकी नॉर्मल सेल्स में नहीं है, तो उनके साइड इफेक्ट भी बहुत कम हो जाते हैं, दे हैव बिकम मच मोर टॉलरेबल, और अब कुछ ओरल टैबलेट भी आने लगी हैं जिन्हें आप ले सकते हैं। तो ओवरऑल ट्रीटमेंट बड़ा आसान होता जा रहा है, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज हर जगह पहुंच रही हैं, तो किसी भी बीमारी को पकड़ना इजी होता जा रहा है। बाहर के लोग भी अब जैसे पैट सीटी हैं, सीटी हैं, ये बहुत छोटी छोटी सिटीज में भी अवेलेबल होने लगे हैं, तो अब लिम्फोमा को पकड़ना, उसको प्रॉपरली डायग्नोस करना, स्टेज करना और उसको ट्रीटमेंट करना, अब ये उतनी कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं रही है जितनी हम सोचते हैं या जितनी 10 साल 15 साल पहले हुआ करती थी। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम बीमारी को पकड़ें। तो लिम्फोमा का सबसे कॉमन सिम्टम होता है कोई भी गठाने जो हम बगल अपनी कांख में बगल में महसूस करें या गर्दन के एरिया में महसूस करें या कॉलर बोन में या थाई में, कभी भी ऐसी गठाने हैं जो 2 हफ्ते से ज्यादा परसिस्ट करती हैं, तो हमेशा अपने जो भी निकट में डॉक्टर हैं उनके पास जाइए, उनसे बोलिए FNAC या बायोप्सी का टेस्ट यदि उनको लगता है तो वो कराएं, और यदि उसमें लिम्फोमा आता है तो अपने ट्रीटिंग हेमेटोलॉजिस्ट को या ऑन्कोलॉजिस्ट को कॉन्टैक्ट करें। लिम्फोमा बड़े आराम से ठीक होने वाली बीमारी है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। जितना जल्दी हम पकड़ेंगे, जितना जल्दी इलाज कराएंगे, उतना अच्छे से बीमारी ठीक होगी और उतने कम कॉम्प्लिकेशन उसमें होंगे। सो बेसिकली टेक होम मैसेज यही है कि कुछ भी आप एबनॉर्मल गठान नोटिस करते हैं तो इग्नोर ना करें, उसे ट्रीट करें। थैंक यू।